स्वच्छ। मासूम प्यारे प्यारे माँ बाप के दुलारे, मोतियों से इनकी हंसी, हर दिल को इनसे खुशी। ये बच्चे हर बात से बेपरवाह, इनसे ही है सारा जहां। इनकी किलकारियों से आंगन चहक जाता है, इनकी मुस्कान पर सब कुछ निसार हो जाता है। घर का चिराग हैं ये, बुढ़ापे का सहारा हैं ये, देश का भविष्य हैं ये बच्चे। फिर क्यों ये बिलबिलाते बेसहारा, भूखे नंगे लावारिस, भूख और प्यास से तड़पते ये बच्चे। कांटों भरी पथरीली राहों पर, खुले आसमान के नीचे, बिन मां बाप के, ममता से महरूम, गंदगी में गुजरता ये बचपन। धुतकार भरी जिंदगी जीने को मजबूर ये बच्चे। आखिर किस खता की सजा भोग रहे हैं ये बच्चे। जिंदगी के दर्द से गुजरे हुए हैं सभी चेहरे यहाँ उतरे हुए, टूटते तारे हो जैसे अर्श के, हैं सभी रिश्ते यहाँ बिखरे हुए। ऐ खुदा कैसा मांगते रहते हो, कभी खुद दो पैसा कमाने की सोचते हो क्या? पैसे पेड़ों पे लगते हैं। शर्म कर शर्म, पति हूं तुम्हारा। 30-25 रुपए के लिए अपने पति का अपमान कर दिया खुद या? पत्नी के बल्लू से पैसे चुराने वाला पति अगर सम्मान की बातें ना करे तो अच्छा है। आप? अरे बेटा आ गया। माय गुड बॉय। पता है बेटा आदित्य, ये प्रोत्साहन प्राइस क्यों मिलता है? ताकि आप अपनी जिंदगी में हमेशा साहस के साथ आगे बढ़े। पैसे भी मिले हैं, 1, 2, 3, 4 पूरे 2500। वाह, नहीं तुम नहीं। नहीं माँ। अब बेवड़े क्यों रो रही हो मम्मी? पापा फिर से पैसे ले गए? कोई बात नहीं, भगवान हमें और पैसे देंगे। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा ये पैसे दारू में उड़ाने के लिए ले गए। पिछले 5 सालों से वो कुछ भी काम नहीं कर रहे। घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाती हूँ ताकि घर का खर्चा चले, और वो पैसे भी तुम्हारे पापा दारू में बर्बाद कर देते हैं। मम्मी पापा पहले से ऐसे थे? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा पहले ऐसे नहीं थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था और हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। उनके साथ काम करने वाले लोग ही उन्हें धोखा दे रहे थे।
और उन्हें पता भी नहीं चला। और हम बर्बाद हो गए। उन्हें ये गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन्होंने मुझे भी नहीं बताया और शराब का सहारा ले लिया। न जाने ये सिलसिला कब तक चलेगा। वाले भी क्या छापते हैं। दद्दन के कानों को शोर पसंद नहीं। देख कितना सन्नाटा है और तू भी खामोश हो जा। चौंकाने वाली खबर ग्वालियर के जनकगंज थाने के गोपालपाड़ी से आ रही है, जहां बहुत से लोगों के जहरीली शराब पीने से बीमार होने की बातें कही जा रही हैं। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने संवाददाता के पास, जो इस वक्त जयरोग अस्पताल में मौजूद हैं। यहां पे नकली शराब के सेवन से हुए पीड़ित बीमार लोगों को लाया जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे, लगभग 35 से 40 लोगों की नकली शराब पीने के बाद उनकी हालत नाजुक होती जा रही है। इस हादसे से प्रदेश सरकार के सारे दावे झूठे साबित हुए हैं। जनता के अलावा ना कोई प्रशासनिक अधिकारी और ना ही कोई पुलिस का अधिकारी यहां पे अभी तक पहुंचा है। चारों तरफ कोहराम मचा है, जनता बेमौत मर रही है और सरकार सो रही है। ए, बड़ा वाला ड्रम लेके आ रहा है। आज पूरा माल सब पूरा तैयार कर देना। अरे उधर खड़ा क्या कर रहा है, माल ले क्या? अबे माल मिलाना है। आपकी बनाई शराब को पीकर लोग मर रहे हैं और सारे टीवी चैनल में आप ही की शराब की चर्चा है। शराब में गड़बड़ है दद्दन भैया, आप कुछ कीजिए दद्दन भैया। दद्दन की नशीली शराब पी के नहीं मरेगा तो के सरकार की लाइसेंसी शराब पी के मरेगा। उठा के डाल दो भट्टी में। ए, चल अपना अपना काम कर। मरेगा तो तू भी दद्दन,
मगर जहरीली शराब से नहीं, सरकारी मार से, जिसका लाइसेंस मेरे पास है। सबका कबाब बना दूंगा, चल। नजर रख। जी सर। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो सारा धंधा बंद करवा देगा अपना। सर आप मेरा रिपोर्ट दीजिए। सर कौन सा रिपोर्ट, कितनी बार आते हो रिपोर्ट लिखवाने? सर अभी कर ली। सर 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 क्या ये तमाशा लगा रखा है? सर आपसे कुछ सवाल करना है। आपके सारे सवालों का जवाब लॉकअप में बंद है। अब मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सर 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 नो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सॉरी सॉरी। हेलो अंशु। हाय पापा। क्या हुआ, मेरा बेटा किन सवालों में उलझा हुआ है? देखिए ना पापा, मैं कब से इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में लगी हुई हूँ, निकल ही नहीं रहा है। डोंट वरी बेटा, इस आंसर का हल मैं निकाल दूंगा, ठीक है? टेंशन मत लो। क्या पापा, आदित्य होता तो वो मिनटों में सॉल्व कर देता। आदित्य? अरे भाई ये आदित्य कौन है? मेरा फ्रेंड, पर वो किसी परेशानी से परेशान रहता है। ठीक है, उसकी परेशानी हम बाद में देखेंगे, अभी खाना खाने का वक्त हो गया मेरी बेटी का। चलो 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 हम खाना खाते हैं। ओके। आजा बेटा, संभल कर उतरना, शाबाश। ओके बेटा, बाय दादी। बाय। हेलो फ्रेंड्स। हाय, कैसे हो? वो देख वो देख। पर मुझे तो इतना मजा आ रहा था ना। हेलो बच्चों, नमस्ते। नमस्ते आंटी। सॉरी बेटा, आज लंच बनाने में थोड़ी देर हो गई। अरे भाई ये आदित्य कौन है? मेरा फ्रेंड, पर वो किसी परेशानी से परेशान रहता है। चलो अब मैं चलती हूँ, और हाँ लंच ना खुद भी करना और अपने दोस्तों को भी करवाना। ओके, गुड बाय। चलो बाय बच्चों। बाय। आदित्य, तुमने अपनी मम्मी से बात नहीं की, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों इतना टेंशन में रहते हो? अरे इसकी क्या प्रॉब्लम होगी, ये तो खुद ही एक प्रॉब्लम है। ओए मोटू, ज्यादा मत बोल तू। ये तो खुद प्राउडी है, हमको कौन प्राउडी करेगा। ओए तू बंदरा, किसी का मजाक उड़ाना तुम लोगों को अच्छा लगता है? ये ले बुंदेलखंडी डाकू हसीना। अनुष्का। जी पापा। ये आदत वही है ना जिसकी मम्मी उस दिन टिफिन लेके आई थी? यस पापा। उसके फादर क्या करते? पता नहीं पापा, लेकिन उसकी मम्मी घर घर में ट्यूशन पढ़ाती है। ट्यूशन? गुड, नाइस जॉब।
बस बस पापा, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया आजकल आदित्य हमसे बात क्यों नहीं करता है। कोई तो प्रॉब्लम जरूर है। प्रॉब्लम? ए, ये खिलाना पिलाना छोड़ और पैसे निकाल। जरूरत है मेरे को पैसे की। सारे पैसे खर्च हो गए। जब भी मुंह खोलती है मेरे दिल में छेद कर देती है। पैसे निकाल। क्या शर्म को शराब के साथ घोल के पी गए हो? जो बेटे के सामने गाली दे रहे हो? अपनी शर्म को बाजार में नीलाम करके अपने पति को शर्म सिखाने चलिए। क्या ये, क्या ये? ये आदित्य के फीस के पैसे हैं। तेरे यार बैठे हैं ना बाजार में पैसे देने के लिए तुझे। जा उनसे और ले ले अपनी फीस। कुतिया धोखेबाज, चलन कहीं की। आशु बेटा उठो, चलो उठो 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 उठो, चलो बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल जाना है। चलो चलो चलो। डैडी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैंने सपने में मम्मी को देखा। यही सवाल तो बेटा मैं अपने आप से पूछता हूँ। शायद भगवान को आपकी मम्मी की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने पास बुला लिया। डोंट वरी बेटा, आपके डैडी है ना आपके साथ। डैडी आप तो बेस्ट डैडी हो, पर जब मैं दूसरे बच्चों की मम्मी को देखती हूँ तो मैं मम्मी को बहुत मिस करती हूँ। इसे ही किस्मत कहते हैं बेटा। जो चीज हमारे पास नहीं होती उसे हम ज्यादा मिस करते हैं, और जब इसकी आदत पड़ जाती है तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। हमारे साथ भी ठीक हो जाएगा। डोंट वरी बेटा, अभी स्कूल के लिए लेट हो गए हो, जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके जी। ये लो आदित्य, अपना बैग पकड़ो फटाफट। ओ, और ये अपना वाटर बोतल। और हाँ बेटा, आप ना स्कूल में मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ चलो जाओ, माय गुड बॉय। क्यों आदित्य, तुम्हारे मम्मी पापा तो रोज ही झगड़ा करते हैं। बाप तो शराबी है, पर माँ को तो सोचना चाहिए। इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं कि कान पकने लगते हैं। आंटी, दूसरों के घर की बुराई करना बहुत ही गंदी बात होती है, खासकर बच्चों से बिल्कुल भी नहीं। चलो आदित्य, वी आर गेटिंग लेट। बाप तो पी के नशे में रहता है और बेटा बिना पिए ही नशे में रहता है। बच्चों, अगर हमारी लाइफ में पढ़ाई शब्द नहीं होता तो क्या होता? वैभव। यस मैम। अगर हमारी लाइफ में पढ़ाई शब्द नहीं होता तो क्या होता? हम लोग मौज मस्ती करते हो क्या? गुड, इसीलिए तो मैं थर्ड प्राइज मिला। अनिष्का। जीवन में तरक्की नहीं होती। तरक्की से क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छी नौकरी नहीं करते, अच्छे घर में नहीं रहते। ओके सिट डाउन। आदित्य, हम वाइल्ड लाइफ जीते। गुड, एक्सीलेंट। सिट डाउन। बच्चों, आज हम वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आदित्य, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, फिर क्यों तुम इतने चुप चुप रहते हो? क्या प्रॉब्लम है बताओ? मेरे पापा हमेशा मम्मी को मारते रहते हैं। मेरे पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते। पर मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। पापा लोग बहुत गंदे होते हैं। अरे आदित्य सुनो तो। आदित्य, अच्छा तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लघुतम समापवर्तक। लघुतम समापवर्तक, ठीक है। चलो बेटा पेन देना। डीवी, घर में रहे तो टेंशन, बाहर जाए तो और टेंशन।
अब हम 2, 4 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आता है? 1। 2 को 4 से? 2। और 2 को 3 से? 3। वेरी गुड साली, 4-4 घंटे बाहर ना जाने किसके साथ कुल छर्रे उड़ाती है। ऐसे क्या देख रहा है? हैं? क्या तू जानना चाहता है मैं इतनी शराब क्यों पीता हूं? हैं? तेरी माँ की बदचलनी से बहुत परेशान हूं मैं बेटा। मेरे सीने को छलनी कर दिया है उसने। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तू मेरा बेटा है कि नहीं। शराब जब शौक से ज्यादा जरूरत और आपकी लत बन जाती है तो दिमाग पर हुकूमत करने लगती है, और अगर ऐसे में शक की बीमारी हो जाए तो इंसान कभी भी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। कुछ ऐसे ही हालात यहाँ भी पैदा होते हैं। डैडी, डैडी, आप क्या सोच रहे हो? मुझे भी बताओ ना, प्लीज डैडी। हेलो। सुन। जी कौन? हमारी छोड़ अपने पति को समझा दे, 10-20 लाख चाहिए तो लेके जाए, हमारे काम के बीच में टांग ना अड़ावे, वरना। देखिए, आप धमकी मत दीजिए, अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे पति सच्चे और ईमानदार है, और जहाँ तक अंजाम की बात है, सच्चाई के साथ हमेशा भगवान होते हैं। समझ गए? अरे, इस फूल से चेहरे पे इतना गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसका फोन था? पता नहीं कौन था, कह रहा था अपने पति को समझा दो, उसकी कार्यशैली हमें पसंद नहीं है। अब आप ही सोचिए, ऐसा कौन है जिसको आप ना पसंद हो? अरे, बात तो सुनो जाने मन, दूसरे का गुस्सा मुझ पे क्यों? मैं नाराज उससे नहीं, नाराज आपसे हूँ। जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं दुश्मन पैदा कर लेते हैं। मैं पूछती हूँ, क्या सारे मुजरिमों की जिम्मेदारी बस आप ही के कंधों पर है? अरे डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो, ये वर्दी है ना, वर्दी की जिम्मेदारी के सामने बाकी की सारी जिम्मेदारियां फेल हो जाती है। हाँ? तो बस ठीक है, ऐसे ही निभानी थी ना जिम्मेदारी, मेरा बोझ क्यों ले लिया? आपको कभी ख्याल तक आता है आपके वजूद का अंश जो मेरे वजूद से जुड़ गया है उसका क्या होगा? क्या कहा आपने? फिर से बोलो, क्या कहा आपने? क्या कहा? अरे यार, दुनिया की पहली औरत हो जो इतनी बड़ी खुशखबरी गुस्से में सुना रही हो, जरा प्यार से बोलो ना। ओ यस, ये हुई ना बात। ओ यार। अच्छा, मेरी बेटी। अच्छा, आप माँ बेटी यहाँ पे झूला झूल रही हो, और नाश्ते का इंतजाम कौन करेगा? झूल नहीं रही हूँ, आपकी लाडली को ही झूला रही हूँ। आजा। हुँ?
इस बच्चे को तो मैंने संभाल लिया, अब आप भी जरा इस बच्चे को संभालिए। ज्योति 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 ज्योति। सोच रहे हो बेटा, अभी तक सोए नहीं? मैं जानती हूँ बेटा, तुझे तुम्हारे पापा का शराब पीना, शराब पीकर मुझे मारना, गाली गलौज करना अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ बेटा, मेरा बेटा लाखों करोड़ों मेघ है, हमेशा बाप अपने बेटे को संभालता है। मेरा बेटा अपने बाप को संभालेगा, उनकी बुरी आदतों से मुक्त करवाएगा, लेकिन उन सब के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। आपकी जिंदगी संवरेगी, मेरी जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। मेरा बेटा करेगा ना, करेगा ना ऐसा? टूट गया घर तेरा, छूट गया है सहारा, खुशियाँ
अरे तो उसका रोज का, अरे वो देख वो देख, ए मोटी और उसकी सहेलियों को समझा लो, आखिरी वार्निंग है, मेरे को जेल भिजवाना चाहती है। ए मोटी, मुआ हर दिन चिल्लाता है, कूदता भी तो नहीं, अगर कूद जाए तो सारे मोहल्ले में शांति हो जाए। उस पे ना शोले पिक्चर का धर्मेंद्र सवार है, तो बसंती और मौसी भी होगी। मोटी बाहर निकाल, तू मेरे को क्या जेल भिजवाएगी, मैं अभी सुसाइड करूंगा और तुम तीन और जेल में जाओगे। जेल में रोज जिसकी बच्चलन हो ना, उसका यही हाल होता है। बीवी बच्चलन नहीं है वो, अरे सुसाइड करूंगा इधर से नीचे कूद कर, तुम तीनों को जेल भिजवाओगे, मेरे को सुसाइड कर जाओगे। एक मिनट बोलने वालों, सुसाइड कैंसिल, पहले इस कमीनी का मर्डर करके फिर आता हूँ सुसाइड करने मोहल्ले वालों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में सेवक राम जी आपके बीच आने वाले हैं। तब तक मैं आपके चेहरों पर मुस्कान पहुंचाना चाहता हूं। पिछले दिन की एक घटना बताता हूं। होली का दिन था, एक लड़का जो 5 साल का पिचकारी लेके लड़की को छेड़ रहा, वो भी मेरी स्टाइल में, कहता है गजब तेरे नखरे, गजब तेरी लीला, गजब तेरे नखरे, गजब तेरी लीला, मैं तेरा 30 मार खा, तू मेरी शीला। इस मौके पे मुझे बच्चों के लिए एक शेर याद आता है। बच्चा घास पे खेलता है, माँ दूर बैठे मुस्काती है, बच्चा घास पे खेलता है, माँ दूर बैठे मुस्काती है, मेरी समझ में ये नहीं आता, दुनिया काबा हरिद्वार क्यों जाती है। मगर दोस्तों क्या फायदा, ऐसे गानों से कोई फायदा नहीं। बच्चों को संस्कार दीजिए, आप दे सकते हैं, आप माता पिता हैं, मगर उन बच्चों का क्या होगा जिनके माता पिता नहीं, बचपन से यतीम, अनाथ और बेसहारा है। मगर इस दौर में सेवक राम जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बच्चों के लिए ये आश्रम खोला और आज उसका उद्घाटन होगा। संस्था का नाम है सेवक राम सेवा संस्थान। सेवक राम जी जिंदाबाद, सेवक राम जी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सेवक राम जी जिंदाबाद। सेवक राम जी परिचय के मोहताज नहीं है, ईश्वर ने इनको मानवता की सेवा के लिए ही धरती पर भेजा है। आप सब तालियां बजाइए, सेवक राम जी माइक पर आ रहे हैं। थैंक यू सर। भाइयों और बहनों, मैं कोई नेता या अभिनेता नहीं हूं कि जिसे जय जयकार की भूख हो, मैं एक छोटा सा समाज सेवक हूं। मुझे आप लोगों का नारा नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार और आप लोगों का साथ चाहिए। और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि जो छोटे छोटे बच्चे सड़कों की सिग्नल पे भीख मांगते हैं, उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा मिले, जो कि हमारे देश के संविधान के अनुसार उनका हक बनता है। मुझे बड़े अफसोस की बात यह लगती है, न जाने हमारे देश में कितने लखपति करोड़पति इंसान हैं, अनगिनत सरकारी संस्थाएं चलती है, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों की, इन गरीब भिखारी बच्चों की जो सिग्नल पे हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं, उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। और ये बात सच है। आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि एक अच्छा इंसान जिसके घर की रोजी रोटी अच्छी चलती है, वो एक कुत्ता पाल सकते हैं, लेकिन रास्ते का एक गरीब बच्चा रेंगते हुए जो भीख मांगता है उसे नहीं पाल सकते। जो अपने कुत्ते को इंपोर्टेड बिस्किट खिला सकते हैं,
लेकिन एक गरीब भिखारी बच्चे को पेट भर के रोटी नहीं दे सकते। और तो और अगर उनका कुत्ता जरा सा बीमार हो जाए तो बेहतर से बेहतर डॉक्टर को ढूंढने के लिए शहर का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। लेकिन एक गरीब भिखारी बच्चा जो रस्ते पे पड़ा हुआ तड़पता है और जिंदगी और मौत की भीख मांगता है, उनकी तरफ नजर उठाकर देखने के काबिल नहीं समझते उन बच्चों को। आप लोग खुद सोचिए और खुद बताइए, हमारे देश में इतने सारे गरीब बच्चे होते हुए हमारा देश महान कैसे बन सकता है और कैसे मिट सकती है हमारे देश की ये गरीबी और कैसे होगा इन गरीब बच्चों का उद्धार। आप लोगों से बस एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी काम कहने से नहीं करने से होता है। आप लोगों का साथ ही मेरी ताकत है। जय भीम। सेवक राम जी जिंदाबाद, सेवक राम जी जिंदाबाद, सेवक राम जी जिंदाबाद, सेवक राम जी जिंदाबाद। कितने प्यारे मासूम बच्चे। ओ साहब 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 साहब, ये मेरा भतीजा है राजेश। इसको जन्म देते ही इसकी माँ चल बसी और एक एक्सीडेंट में इसके पिताजी का भी देहांत हो गया साहब। हे भगवान। साहब मेरी इतनी हैसियत नहीं है जो मैं इसे पाल पोस सकूं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ही इसे आपके आश्रम में जगह दे दो। बहुत मेहरबानी होगी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। वारे रिश्ता, एक चाची अपने भतीजे को आश्रम छोड़ने आई है। बहन जी रोटी तो ऊपर वाला देता है। खैर कोई बात नहीं, मुझ अनाथ के सर पे भी किसी ने हाथ रखा था, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं इन गरीब बच्चों की सेवा कर सकूं। बहन आप निश्चिंत होकर घर चले जाइए, ये हमारे आश्रम में रहेगा। आज से इस बच्चे की जिम्मेदारी सेवक राम की जिम्मेदारी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सेवक राम जिंदाबाद। चुनौती संभालो। सेवक राम जिंदाबाद। सेवक राम जिंदाबाद। सेवक राम जिंदाबाद। सर आश्रम बहुत अच्छा देते हैं आप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नेता बोल रहा हो। इसी का नाम रवि है। रवि, ओ इंस्पेक्टर रवि, बहुत नाम सुना है तुम्हारा। हूँ आज बहुत खुशी हुई मुझे कि हमारे देश का भविष्य तुम जैसे नौजवान के हाथ में है। लेकिन मेरा मशवरा याद रखना, इंसान जितना सच्चा होता है उतने ही उसके दुश्मन ज्यादा पैदा होते हैं, ये बात याद रखना। सर हाँ, जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी डर तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था, और वो मर्द ही क्या जिसकी किसी से दुश्मनी ना हो। वाह इंस्पेक्टर वाह, एक दिन बहुत ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चुप रहो, नहीं तो काट कर फेंक दूंगा। अबे तू बीच चौराहे पे बैठता है तब भी कमा के नहीं लाता है, खाली हाथ लौट जाता है। ये चाहिए, ये तड़प इसके चेहरे का, तड़प दर्द ये चाहिए इसके चेहरे पे जब ये भीख मांगेगा। अचला अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग कुछ ऐसे तुच्छ काम करते हैं कि ना आंखें बर्दाश्त कर सकती हैं और न ही कानों को यकीन होता है। ये किरदार भी कुछ ऐसा ही है, हाथी के दांत की तरह, दिखाने के अलग और खाने के लिए अलग। ऐसे मांगने का, ऐसे ऐसे हाथ ऐसे करके समझा कर कि नहीं तेरी तो क्या है? चल। चल। नहीं,
भी हमारे समाज में मर्द अपनी मर्दानगी का सबूत इस तरह देता है, औरत को अपना गुलाम और अपने इस्तेमाल का सामान समझता है। हमें कहने की नहीं बल्कि मानने की जरूरत है कि मर्द और औरत के बीच बराबरी का हक है। जज्बात कदर करने के लिए होते हैं, दुख देने के लिए नहीं। हे माँ, सुना है तुम्हारे दर्शन करके सभी लोग खुशहाल हो जाते हैं। हे माँ, मेरा बचपन रोते रोते बीत रहा। मेरे पापा रोज शराब पी के आते हैं और मेरी मम्मी को मारते हैं। दया करो माँ। होठों पे लाली लगा के कहाँ पल्लू गिराने जा रही है कुतिया? शराब के नशे में इतने डूब गए हो कि कुछ भी बोलते हो। मैं पल्लू गिराने नहीं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ ताकि इस घर का खर्चा निकले और तुम्हारे इस दारू के पैसे। झूठ बोलती है कुतिया, ढोंग करती है, छल करती है मेरे साथ। सुन, आज के बाद तेरे कदम इस घर से बाहर नहीं पड़ेंगे। अगर मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अपनी तो नहीं, कम से कम अपने बेटे के बारे में तो सोच लिया करो। बहुत बोलती है बदतमीज। मैं बताता हूँ तुझे पति से जब हाल लड़ाती है बच्चलन, ट्यूशन कैसे करना है मैं बताता हूँ। अबे हट, बाहर जाने का बहाना चाहिए तुझे। जाएगी बाहर, जाएगी बाहर, फिर से जाएगी। अबे, 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 रहने देते हैं। अरे ये क्या कर दिया आपने? अपने पति को मार दिया? कैसी औरत है हत्यारन, अपने पति को ही मार दिया तूने। चलो चलो, हाँ, पुलिस को बुलाएंगे। हाँ चलो। गुजरे हुए हैं सभी चेहरे यहाँ उतरे हुए। जिंदगी के दर्द से गुजरे हुए हैं सभी चेहरे यहाँ उतरे हुए। टूटते तारे जैसे अर्श के हैं सभी रिश्ते यहाँ बिखरे हुए। ऐ खुदा कैसा ये जहाँ है तेरा, लम्हा लम्हा मुश्किल से भरा। ऐ खुदा
जानते हैं कि भीख देना भी एक अपराध है, लेकिन फिर भी हम ये गलती करते हैं। हमारी दया भावना भी कुछ लोगों की कमजोरी बन जाती है। अरे मेरा बेटा सो गया, सोचा जीवन भैया तुम ही हो मेरे खेवैया। जय हो जीवन भैया की। चल चल, अपन तो गलत आदमी के साथ काम कर रहे हैं। कैसे? जो भिखारी उसे भीख मांगता है वो काहे का सिर? अबे चुप बैठ, अगर कल्लू मामा को पता चल गया तो तेरी खैर नहीं। मामू को भीख दे रहा है, मामू का हिस्सा दे रहा है। मामू महंगा आसमान छू रहे लिए, आज अपने पास बस इतना ही चाहे। मामू ये तो अपन के पव्वे का है। अपने पव्वे की पड़ी है, मामू की अंग्रेजी दारू की नहीं। इधर चुक, ये ले। आज घटा के पानी से काम चला लेना भाई ऐसे। आज सुबह से कुछ नहीं कमाया मामू, और सुबह से भूखा भी हूँ। अबे खुशबू तो बिरयानी की आ रही, बोलता है मैंने खाना नहीं खाया। चुप चुप, ए तू कहाँ जा रहा? मामू बड़ी जोर की लगी है मामू। ए तू कहाँ जा रही? मामू मेरे को भी। अच्छा बच्चे, अगली बार तुम लोगों से शुरुआत करूंगा। अबे जा माचिस किसी से भीख में मांग के ले, इसे जलानी है। बीड़ी भीख में मिल गई तो माचिस भी भीख में ले। तेरी माँ दहेज में देके गई थी। अब माँ को गाली मत दे। तेरी माँ तुझे आलू के गोदाम में छोड़ गई, गाली ना दूँ तो क्या एक और आलू पैदा करूँ? शौचालय में तेरी माँ तुझे जो फेंक गई थी। मंदिर में बैठ के घंटा बजाने से तुझे को खाना नहीं मिलेगा। चलो जाओ, सबके सब धंधा करो। धंधा तो तू करेगी, हम तो सिर्फ गंदा करेंगे। अबे तेरी माँ धंधा करती होगी, तभी तो तेरे को फुटपाथ पे भेज दिया। चल फुट, चलो फुट, चलो चलो चल। क्या कर रहा है? चले चल चल, चलना चले चल, उठा के लेके चल इसको। की किस्मत भी ना, भिखारियों को तो कोई पूछता ही नहीं। अरे यार अपन की किस्मत ही खराब है यार। चल छोड़ उसको, छोड़ चल, अपन बैठते। हाँ हाँ बैठ, तू भी बैठना। क्या यार, अबे तुम लोग अपन के लागे में क्या कर रहे हो? अबे इलाका तो कुत्तों का होता है। अरे ये कल्लू मामा के पिल्ले ही तो है। अबे ओए चुप कर, खतरी के चमचे, ज्यादा कुदक मत, समझा ना? अरे ओए तू चुप कर,
सटी और माओ ना तो हम तुमसे डरते हैं ना तुम्हारे कल्लू मामा से, क्योंकि हम डरते हैं तेरे खत्री भाई से। खत्री भाई किसी को डराता भी नहीं है। तुम लोगों को भी ऐश करना है तो आ जाओ हम लोग की गैंग में। चल छोड़ रे, चाटने दे इनको कल्लू मामा के तलवे। चलो अब तुम लोग चलते। एक बात तो बता, 3-4 दिन हो गए आदित्य स्कूल ही नहीं आ रहा है, क्या हुआ आदित्य? वो क्या आदित्य, अनुष्का क्यों हो? बोलो ना। अनुष्का अब आदित्य कभी स्कूल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके पापा की मौत कर दी और उसकी मम्मी को पुलिस ले गई। और आदित्य? वो क्या है कि आदित्य इस शहर से गायब है। उसका रिश्तेदार कोई नहीं है क्या? उसके रिश्तेदार में कोई भी नहीं। कल का बेस्ट ऑफ स्टूडेंट आज पागल हो गया। शट अप। अंशु, अरे बेटा अंशु, अंशु यहाँ क्यों खड़े हो बेटा, क्या हुआ? अरे अंशु क्यों रो रहे हो आप, क्या हुआ मेरे बेटे को? हाँ बेटा क्यों रो रहे हो? डैडी, हाँ मेरा हाँ, जो बेस्ट फ्रेंड है ना आदित्य, हाँ हाँ वही जो हमेशा परेशान रहता है, हाँ क्या हुआ उसको? पता नहीं डैडी वो कहाँ चला गया है, उसे कितना ढूंढ रहे हैं। आप तो पुलिस वाले हो ना, आप उसे ढूंढ सकते हो। मेरी बेटी उसके लिए रो रही थी। डोंट वरी बेटा, उसका फोटो वगैरह है कुछ तुम्हारे पास? फोटो मुझे दो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। ओके ओके, डोंट वरी, अभी रोना मत। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रॉमिस प्रॉमिस। थैंक यू डैडी। वो कहीं भी होगा अंशु बेटा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अरे यार आज तक कमाई नहीं हुई, 1 रुपया तक नहीं मिला। हीरो, ये कल्लू मामा कह रहे हैं इधर बैठने का नहीं, फंटास की गोली का और सटक ले यहाँ से। क्यों रे, कानपुर में हड़ताल है क्या? सुनाई नहीं पड़ता तेरे को? चल निकल यहाँ से, चल जा। चलो बोला ना, निकल यहाँ से। पापा। हाँ बेटा। फोटो। हमें इसको ढूंढना है, ये खो गया है। डोंट वरी बेटा, अब तो हंस दो। सोने की जगह है, अपुन सोता इधर, चल हट हट निकल यहां से। सांस चलती रह गई, हाथ से जो रेत फिसले बर्फ पिघले धूप से, इस कदर इंसानियत की उम्र ढलती रह गई।
फाइव स्टार होटल से लेके आऊं। चुप कर रे, क्या करूं? वो देख, कौन है ये? चलो उधर देखते हैं ना। चल 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 चलो 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 चलो। ए, have any problem? कुछ problem? खाना वाना खाया कि नहीं? नहीं खाया? रुक जा, मैं तेरे लिए अभी लेकर आती हूँ। सुनो, टेंशन नहीं लेना। टेंशन नहीं लेने का? टेंशन दिमाग खा जाता है। टेंशन तो चोर भ्रष्ट लोग लेते जो अपना पैसा खा जाते। ले ये खा ले, एकदम ताजा फ्रेश लेकर आई हूँ, ले ले, खा खा ले। नहीं लेना, ये नहीं खाएगा ये। सुन, हम सबके साथ तू लंच करने चल, हम सबका दिल बहुत बड़ा है। चल। हाँ, चलना, चलना, चल। अरे चलना। अंशु बेटा, आई एम गोइंग। आई एम कमिंग। क्या हुआ बेटा? एक बात बताइए, सारे पुलिस वाले आपके जैसे होते हैं? व्हाट यू मीन, मतलब क्या आपका? आई मीन टू से कि आप लोग जो वादा पूरा कर ही नहीं सकते हैं, वो वादा करते ही क्यों हैं? क्या हुआ, इतनी नाराज क्यों हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखिए डैडी, कुछ दिनों पहले आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे दोस्त को ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन 5 दिन हो गए हैं, आप मेरे दोस्त को अब तक ढूंढ कर नहीं लाए। ढूंढना तो दूर, उसके बारे में बात भी नहीं की है। सब लोग सही कहते हैं, पुलिस वाले कुछ काम के नहीं होते। क्या आप अपनी बेटी का एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? अंशु बेटा, ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं डैडी, मुझे पुलिस वाला जवाब नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। देखिए डैडी, क्या? जब तक आप मेरे दोस्त को नहीं ढूंढ लेते, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अंशु, अंशु! अरे टकले, कोई जादू वादू दिखा यार। चल, मेरे पास कोई जादू वादू नहीं है। अबे साले, झूठ क्यों बोल रहा? उस दिन तो क्या टकले से, क्या माचिस की तिल्ली से आग लगाई थी बच्चों ने। अरे एकदम मजा आ गया था यार, मजा आ गया। लेकिन आज किसी जलाएगा, आज तो इसके टकले के ऊपर तो छतरी है ना। ये देखो देखो, वो देखो। अबे ए, ए, चल रगड़ा निकाल। हाँ ये ले, 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 चल जा लेके। चल जा, अबे जा जल्दी लेके आ। ए भाई, टू प्लेट पूरी भाजी फटाफट। आप तो मार्केट में आती नहीं है कभी, देखिए इतना बढ़िया है। बहुत है भैया, अरे पागल है। ये ले, फेमस बटाटा मंचूरियन। बटाटा मंचूरियन? अरे वही यार, पूरी भाजी। आदित्य, तुम स्कूल जाते हो? हाँ। अबे यार, स्कूल में कितना मजा आता होगा ना। वो बच्चे खाना खाते, क्या कहते हैं उसे? लंच। हाँ, लंच, लंच खाते होंगे ना। अबे छोड़ यार, अपनी किस्मत में तो स्कूल जैसी कोई चीज है ही नहीं। हाँ, अबे अपनी किस्मत में तो चिल्ला रोड है। एकदम हाँ। बराबर। हाँ। अबे आदित्य, चल भाग भाग यार। गाड़ी पीछे ना हो। चल अभी चल। अबे अब कुछ नहीं हो सकता, वो आदित्य के हाथ पैर काट कर उसे अपाहिज बनाकर रोड पर भीख मांगने के लिए बिठा देगा। अरे यार, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अबे बेवकूफ, पुलिस क्या हमारी बात मानेगी? तू हल्का चुप रह। नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है अंकल, नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रहना है।
ले जाओ उसको, ले जाओ। चल नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। चल नहीं, चल अंदर, चल चल। चिनोटे। हाँ भैया जी। पाशा ने डिलीवरी भेजी क्या? हाँ भैया जी, लेकिन उसने 25 ही बच्चे भेजे हैं। हाँ? को 50 बोला था और उसने 25 बच्चे भेजे? उस 50 बच्चे की डिलीवरी ताबड़तोड़ भेजे। अगर उसमें से एक भी बच्चा कम हुआ ना, उसको दुनिया से उठा दूंगा, इतना बोल देना उसको। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। भैया जी, इस नए बच्चे का क्या करना है? अरे नया बच्चा अभी अभी तो आया बेटा, उसे थोड़ा मजा तो लेने दे, फिर बताता हूँ उसका क्या करना है। खाना खा लो। सुनो भैया, मुझे कुछ कहना है, यहाँ बैठो। क्या है? आप प्लीज बैठो ना भैया। मेरा बेटा आदित्य अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया, न जाने इस दुनिया की भीड़ में कहाँ खो गया। बहुत भोला है वो, छोटा बच्चा है वो, इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरा मन उससे मिलने को बहुत करता है, मैं बहुत तड़प रही हूँ उसे एक बार देखने के लिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलवा दीजिए प्लीज। ठीक है मैं साहब को बता दूंगा। चादर सूखे पत्ते की तरह से हट गई, उम्र भर जो की कमाई एक पल में लुट गई। अब किसे आवाज दे और क्या सुनेगा अब कोई, थी जहां अरमानों की बस्ती वो राहें छूट गई। सच बोल रहे? सच। नाम क्या है मोड़े का? इरफान। छोटे बच्चे से काम मत करवाए कर। हाँ सर। साले ध्यान रखियो नहीं तो टांग ले जाऊं तो। हाँ ठीक है सर। टूटे टूटे सपने सारे, रूठी रूठी हर खुशी, हर कदम हर राह पर है बेबसी बेबसी। भीड़ है लोगों की लेकिन अपना कोई भी नहीं, बेपना लंबी है रातें भोर दिखती ही नहीं। ध्यान से देखते रहना। जी सर। चलो सर, शहर का कोना कोना छान मारा है सर, आदित्य का कहीं पता नहीं चला।
आखिर आदित्य गया तो गया कहाँ? भगवान के नाम पे दे दो साहब। माल की डिलीवरी हो गई है। हाँ हाँ पहुंच जाएगा माल। भिखारी चलो मेरे साथ। मामू मामू भागो भागो पुलिस आ रही है मामू मामू। अरे मामू पुलिस आ रही है। पुलिस आ रही है। डरता हूँ क्या मैं? हफ्ता तो देता हूँ ना, ऊपर से मिनिस्टर तक पहचान है मेरी। अरे साहब आप शायद नए नए आए हो। अरे साहब आप क्यों आए? मुझे बुला लेते मैं आ जाता। ए लंगड़े चल भाग कर जा साहब के लिए ठंडा लेकर आ। साहब जब आप आ ही गए हो तो आपका ये ले नाश्ता पानी। साहब आप मुझे पहचानते नहीं? हाँ मेरी ऊंची ऊंची पहचान है। हाँ ऊंची ऊंची पहचान? कितनी ऊंची पहचान? साहब उतर गई। हाँ वहाँ पिया था साहब उतर गई। उतर गई ना? उतर गई साहब। इसे पहचानता है? ध्यान से देख और बता। नहीं साहब नहीं पहचानता। नहीं साहब आपको नहीं पहचानता। माँ की कसम साहब ये देखो ये बच्चे इनको जानता हूँ मैं। नहीं पहचानता। नहीं साहब। चल मेरे साथ। कहाँ साहब? हवालात। अरे साहब क्या मजाक कर रहे हो साहब? साहब मैं तो सेवा करता हूँ, सोशल वर्कर हूँ साहब। साहब जैसे महिला मंडल है वैसे बच्चा मंडल है। इन बच्चों को पढ़ाता हूँ कि बच्चों नहीं। देखो हाँ बोले साहब। हाँ बोले साहब। सच बच्चों की सेवा करता है? हाँ। महिला मंडल चलाता है? हाँ। अच्छा तो तुझे इनाम मिलना चाहिए। जी साहब मिलना चाहिए। हाँ साहब सुना है सरकार सेवा करने वाले को इनाम देती है। तुझे भी इनाम मिलेगा। चलो हवालात में। हवालात क्यों साहब? हवालात क्यों साहब? भीख मांगना और भीख मंगवाना दोनों ही कानूनन अपराध है, मालूम नहीं तुझे? नहीं। हाँ हाँ देखो साहब ये अच्छा नहीं कर रहे आप। चल चले चल थाने। बच्चों तुम सब लोग पुलिस स्टेशन चलो। कौन सा घर किसका है सब लोग अपने अपने घर जाओगे। I'm so sorry. मैं इंस्पेक्टर रवि शर्मा। मेरी बेटी अनिष्का इसी हॉस्पिटल में भर्ती है। ओ अनिष्का अभी उसका ही ट्रीटमेंट करके आ रही हूँ। कैसी है वो? कैसी तबीयत है उसकी? सर पर गहरी चोट आई है, अभी बेहोश है, पर घबराने की कोई बात नहीं, होश आने पर आप उससे बात कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अनिष्का मेरी बेटी है अनिष्का। ज्यादा बोलेगा डंडे से मारूंगा। ए क्या है रे चुप। ओ बेट क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? मेरा क्लासमेट आदित्य वो कहीं खो गया है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती हूँ। पता नहीं कहाँ होगा और किस हाल में होगा। उसके मम्मी पापा तो होंगे ना? उसके पापा की डेथ हो गई है और मम्मी जेल में है। हेलो कैसी है मेरी बेटी? अब उसकी तबीयत कैसी है? अब पहले से बहुत अच्छी है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस खोई खोई सी रहती है। खोई खोई तो रहेगी बिन माँ की जो बेटी। ओह आई एम सो सॉरी। उसके चेहरे पर खुशी बनी रहे इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर वो अपनी जिंदगी में हमेशा एक कमी महसूस करती है जिसे शायद मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं। क्या कर सकता हूं? अच्छा मैं चलता हूं।
सब सब मुझे माफ कर दो, सब मुझे माफ कर दो, सब सब मैं तो कुएं का एक छोटा सा बेटे को सब कितनी भी चलाक मारूंगा कुएं के अंदर रहूंगा सब। ज्यादा भटकने की कोशिश भी मत करना, वहीं रहना सब। मैं तो वहीं था सब, आप ही यहाँ उठा के ले गए सब। आपको तो पता है सब, गिने चुने 25 बच्चों की दुकान चलाता हूँ सब। अगर पकड़ना है तो उसको पकड़ो सब, तो झांसी से लेकर मुरैना तक बच्चों से भीख मंगवाता है। कौन है वो? अशोक लम्बरेटा। क्या कर दिया पीछे बैठ के? हिल गया साहब जी। अरे ये क्या है साहब जी? टोकन मनी। मुंह दिखाई का टोकन, इतना सा चिल्ला साहब जी? साथ में चेक भी लायो मैं। ओ, अच्छा भी समझ गया। आजा। वाह वाह, क्या बंगला है। एक बज गया, लेकिन तुम्हारी पार्टी अब तक नहीं आई साहब जी। कितना बढ़िया बंगला है, साथ में स्विमिंग पूल भी है। मैं सिर्फ अशोक लम्बरेटा। ये बांग्लादेशी बंगला खरीदते हैं, वो भी मेरा। अरे सेठ, यही तो है जो आपको वन शॉट पेमेंट देंगे। मिस्टर वन शॉट पेमेंट, आपका बिजनेस क्या है? एंचिक, माइंड योर बिजनेस। बिजनेस को छोड़िए सर, सुबह के अजान से लेकर रात की मंदिर की घंटियां बंद होने तक पैसा ही पैसा बरसता है सर। अच्छा, क्या करते हैं? क्या क्या बताऊं सर, रिक्शा, ट्रेन, यहाँ तक कि हवाई जहाज में सफर करने वाले यात्री भी इनके क्लाइंट हैं। ओह माय गॉड, कितने में दिया आपका झोपड़ा? क्या साहब जी, माफ कर देना बॉस, मोहल्ले का झोपड़ा नहीं है, बंगला है। बंगला समझ गया, समझ गया। स्विमिंग पूल के साथ तू ना क्या आया ना, पीछे 8, 3, 6, 18, 9, 6, 22, 7, 103। समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। अभी तकलीफ नहीं है मेरे को। बहुत समझ लिया, अब काम की बात करें। ए भाई, चल बोल दे प्राइस, बोल दे। 2,23,786 रुपए। ये क्या है? What is this? Is this token? या मैयत का चंदा? अरे चार चेक भी आ रहे भाई। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। खाली उंगली रखो, वो चेक से आपको पेमेंट हो जाएगा फुल वन शॉट। मुझे सारे बाउंस चेक्स नहीं चाहिए तुम्हारे। अच्छा, कैश चाहिए, कैश। ओके, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ। ये काम तो मेरा आपने बहुत आसान कर दिया। ये सुल्तान, सुल्तान जी, पांचों की पांचों गोदी। लाइसेंस जी, हाँ ले क्या, ले क्या। माल आ गया, माल आ गया। तुम लोग की माल सब अंदर लेके आओ। हाँ, जल्दी जल्दी लेके आओ। ठीक। ये क्या है सेठ जी? ये 1,000 की गड्डी है, ये 100 की गड्डी है, ये 50 वाली गड्डी है, ये 10 वाली गड्डी है, ये 5 वाली गड्डी है, ये 2 रुपए वाली गड्डी है, ये 1 रुपए वाली गड्डी है। भाई इसमें आपका माल चुकता हो रहा, बाकी का अपने को दे रहे। 500 की क्या है? 500 की करेंसी बहुत डुप्लीकेट बाजार में फैले लिए, अपन तो लेते नहीं भाई। अभी आपको कोई भीख में भी देगा तो 500 लेना नहीं भाई, 500 का रिकॉर्ड खराब है। मैंने तो आपको दिल खोल के पैसा भी दिया, अभी आप एक एक चीज दिखाएंगे। दरवाजा खोल के अपना बंगला दिखाएंगे क्या? समझ गया। तीन, 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 तीन। क्या बे, सिर्फ 2 सीढ़ी, ये कैसे खोली है बॉस? बंगला, बंगला, समझ गया, समझ गया मेरे दोस्त। ये सन्नाटा कैसा है, रोशनी भी नहीं। अगर आप अपना चश्मा उतारेंगे तो आपको यहाँ पर रिलायंस की लाइट ही लाइट नजर आएगी। सही बोला। ये मस्त कमरा है, ये क्या है? ये बेडरूम है। अच्छा, हाँ। तो फिर सोने का किधर है? बेड पे। हाँ। क्या बॉस, इधर बेड पे सोने का, इधर हगने का है। बाथरूम अच्छा नहीं बनाया बॉस, ये है अटैच बाथरूम। ओ, समझ गया। अरे वाह, अरे क्या बालकोनी से बाहर का नजारा है बाबा। यहाँ से अपने को सी फेसिंग दिखता है क्या? मुंबई का चौपाटी दिखता है क्या बॉस? ये मुंबई नहीं है, यहाँ से आपको ग्वालियर का सिंडिया पैलेस नजर आएगा। समझ गया।
बॉस। बोल गालिया। नीचे स्विमिंग पूल का नजारा बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है? भैया लड़की लड़की समझ भी नहीं आया। पुलिस मैं सूंगा था पहले। कानून का फोटो अभी देखा बाबा। 2,23,786 में 1 करोड़ 12,11,786 इसका। हाथ हटा। काय को हाथ हटा? ले हटा दिया। सामने आ। आ गया। समझ गया। क्या है ना, कल सुबह 2 रुपए वाला 5 ट्रक आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा। क्या बे फेकू, तू तो बोला ये लेता है, धनादन दे रहे ला यार। थोड़ा बढ़ा बढ़ा। समझ गया। सर जी ऐसा है कि काली नदी के गंदे नाले के ऊपर अपने 17 झोपड़े हैं। 7 झोपड़े आपको दिया। एक अंदर की बात बताता हूं, अगले साल वह 40 फुट चौड़ा रोड बनने वाला है और एक बहुत बबड़ी टावर बनने वाली है भाई। 7 फ्लैट आपको मुबारक हो। कितना बड़ा पेड़ है इसका यार, का पेड़ भरता ही नहीं है। मेरे को लगता अपने से भी बड़ा भिखारी बाबा। मैं थोड़ा और लालच छोड़ के आता हूं, जाना नहीं है साहब। ग्वालियर के सिंडिया का पैलेस है, उसके बाजू में अपने 3 बंगले। बोलो ये गरीब के 3 बंगले हैं, 2 बंगले आपको दिया। अरे झांसी से मुरैना तक मेरे यहाँ पक्का नेटवर्क है यार, भीख मांगने का। सब चिल्लर पार्टी भीख मांगती है। I am a millionaire। तेरे को पार्टनरशिप दे रहे लाऊं, तेरे को हिस्सेदार भागीदार बना रहे लाऊं मेरे बाप। सुधर जा। हाँ सर। तेरा बाप कौन है? पाशा। आ जाओ सबको लेकर आ जाओ, इधर लेकर आ जाओ, आ जाओ सबको लाओ, लाओ सबको। तेरे में डाल दूं या अपने में? मजाक करता है पाशा के साथ। गड्डी बोला था, चिल्लर लेके आया है। पाशा भाई आपकी पहली खेप पूरी हो गई भाई, 2 टेम्पो और आ रहे हैं। उसमें कितने हैं? आपका कोटा पूरा हो जाएगा भाई। एक बात मैं साफ कह देना चाहता हूँ, मैंने 50 बच्चों का एडवांस लेकर रखा है, उसमें एक भी बच्चा कम हुआ तो तुम लोगों को काट के छोटा कर दूंगा और पार्सल कर दूंगा। चलो 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 आराम से। हाँ चलो सीधे सीधे। हाँ चल जाओ चलो। देखो भाई माल निकल चुका है, बहुत जल्द आपको डिलीवरी मिल जाएगी।
सोन, मैं वो पुलिस वाला हूँ, जहाँ जाता हूँ ना दुश्मनों का नामो निशान मिटा देता हूँ। क्या बुरी खबर है? रवि शर्मा अपने लिए सरदर्द बनकर जा रहा है। क्या किया उसने आपकी बात? उसने इस बार पाशा पे हाथ डाला है भाई जी। पाशा पे? अगर पाशा ने मुंह खोल दिया तो वो आप तक भी पहुंच सकता है भाई जी। अब आपको ही कुछ करना होगा भाई जी। पाशा, हाँ, रवि शर्मा। कपड़े उतार कर नंगा लिटाओ साले को। पाशा, अभी भी वक्त है, सच सच बता किसको बच्चे सप्लाई करता है, वरना जितनी वर्फ तेरे नीचे रखी है ना सारी वर्फ तेरे ऊपर लदवा दूंगा। बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। सेवक राम। अबे, खुद को बचाने के लिए एक शरीफ आदमी का नाम लेता है? मैं सच कहता हूँ साहब, सेवक राम तो नाम का राम है, असल में तो रावण है। आश्रम का बोर्ड तो सिर्फ नाम के लिए है, उसके नीचे बच्चों को काटते हुए उसे जरा सा भी दर्द नहीं होता है। उसका असली धंधा बच्चों को हैंडीकैप बनाकर उनसे भीख मंगवाना है। जाकर इसके मलम पट्टी कर और लेके आओ नए चूजे को। ए, तू चल। तुम लोग इधर जाओ। यस सर। और याद रखना, कोई फायर नहीं करेगा। ओके सर। क्योंकि बच्चे की जवाबदारी हम सब की है। जी सर। को लेटा इस पे, जल्दी लेटा। जल्दी
हाँ बकराम बस। इससे पहले कि मैं तेरा अंतिम संस्कार यहीं कर दूं, अपने आप को सरेंडर कर दे, बाकी की सेवा सरकार करेगी। ले चलो। चल।
मध्य प्रदेश से, जहां की एक अदालत ने मशहूर समाज सेवक सेवक राम को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। जी हां, जहां तक कि आप लोगों को मालूम है, सेवक राम समाज सेवा के नाम पर बच्चों के साथ क्या अन्याय करता था। इंस्पेक्टर रवि शर्मा ने किस तरह से उसके ठिकाने पर छापा मारा और उसे अरेस्ट किया था, मुझे ये बताने की आपको शायद जरूरत नहीं है। इस केस को आप कई नजरियों से देख सकते हैं। इस तरह से शिकार हो रहे हिंदुस्तान के भविष्य का असली गुनहगार कौन है? सेवक राम जैसे लोग, कानून, हमारी बदलती सरकारें, हम लोग, या फिर हमारा बदलता समाज। एनजीओ चलाने वाले लोग राजनीतिक रास्ते तलाशते हैं या फिर खबरों में बने रहने के बारे में सोचते हैं। हम डोनेशन तो देते हैं, लेकिन हमारा मकसद दान पुण्य कमाने का रहता है या फिर टैक्स बचाने का रहता है। अगर हमें वाकई इन बच्चों के लिए कुछ करना है तो हमें अपनी सोच और अपनी नीयत बदलनी होगी। सरकार को कहने वाली नहीं, करने वाली योजनाएं बनानी होगी और कानून में सेवक राम जैसे केसेस को हैंडल करने वाले ऑफिसर्स को बढ़ावा देना होगा, तभी बच सकता है हमारे देश का बचपन और भविष्य। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि आपको उठना नहीं, जागना होगा। तो आप जागने का प्रयत्न कीजिए और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। ओके। डैडी आप नहीं खा रहे? नहीं बेटा, आप खाओ। नहीं, आपको मेरे इसमें से थोड़ा सा खाना पड़ेगा। अरे बेटा आप खाओ ना। डैडी प्लीज। गुड, अच्छा है। अरे आदित्य, तुम भी खिलाओ ना डैडी को। अभी खाइए अंकल। खाइए अंकल। अंकल नहीं, आज से मैं आपको डैडी बोलूंगा। सॉरी डैडी। हमें वाकई अगर ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना है तो हम सबको अपनी नीयत, अपनी सोच बदलनी होगी। हमें जागने की नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है, तभी हम इस फिल्म की कहानी को हकीकत की कहानी बनने से रोक सकते हैं। जय हिंद। धीरे धीरे हर तमन्ना हाथ मलती रह गई, रूह की ला बुझ गई, बस सांस चलती रह गई। हाथ से जो रेत पिसले, बर्फ पिघले धूप से, इस कदर इंसानियत की उम्र ढलती रह गई।